हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम। यहाँ पर यूएफए चैंपियंस लीग का 3 मैच एक साथ है ना, एक की वीडियो डल चुकी है, अब बार्सिलोना की बारी है। सो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो के अंदर कोई किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की, तो बार्सिलोना एंड रॉयल एंटवर्प में जो मैच हो रहा है, इसके अंदर मैं फेवर करूँगा बार्सिलोना को। एंड बार्सिलोना टीम इज सच ए ग्रेट टीम, बार्सिलोना को बहुत मतलब मैं देख रहा हूँ इन दिनों फॉर्म में है, वरना बार्सिलोना की फॉर्म जा चुकी थी पिछले दिनों, तो कोई भी छोटी टीम आती थी इनको हरा के चली जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ तो नहीं है। अब तो ये बढ़िया तरीके से हरा रहे, पिछले मैच में भी इन्होंने 5 गोल किए थे टोटल टीम, मतलब टोटल टीम प्लेयर्स ने। सो बात करें अब इनके खिलाफ कैसा गेम प्ले रहता है एंटवर्प के खिलाफ। अब सबसे पहले चलते हैं स्ट्राइकिंग की ओर, तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की भी अब पूरी फॉर्म में, और इसके खेलने से मैं कहता हूँ कि बहुत कुछ बदल सा जाता है, क्योंकि अगर इसका नाम होना ही बहुत ज़रूरी है। ये गेम में होता है ना, एक प्रेशर रहता है सामने वाली टीम में कि हाँ भाई, एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहा है 36-37, मतलब वही 35-36 साल का, जिसको एक्सपीरियंस है फुटबॉल का कम से कम 10-12 साल का, तो ज़्यादा 10-12 तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं आपको, मेन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला के 10-12 बोल रहा हूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इनको, क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि छोटी सी उम्र से आए होते हैं सारे, तो ये तो कमाल है। एंड फेरन टोरेस का पिछले मैच में गोल आया कि नहीं, क्या बोला था मैंने आपको, मैंने आपको पिछले मैच में ओपन टीम दी थी बार्सिलोना की, जिसके अंदर मेरा रॉबर्ट कैप्टन था, वाइस कैप्टन टोरेस था, और मेरा जो की प्लेयर था वो था जोआओ फेलिक्स। अब बट इन तीनों को देखो, आज के मैच में मैं तीनों को लेने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तब लूँगा अगर ये तीनों खेलेंगे। अब मुझे पता ही नहीं कि खेलना है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने एज अ ट्रायल भेजा था पिछले मैच में, इनको पता था कि बार्सिलोना टीम ने वीक पड़ना नहीं है, लेकिन आज ये तो बहुत दिमाग से खेलेंगे। आज इन्होंने सब्स्टिट्यूशन अपने पास रखने हैं कि हमारी अगर बार्सिलोना को दिक्कत आती है तो ये बाद में प्लेयर्स भेज सकें, तो इसलिए मैं टोर्स को ले रहा हूँ। फेलिक्स की जगह अभी ना मैं क्या कर रहा हूँ, वी जेंसन को ले रहा हूँ, क्योंकि रॉयल एंटवर्प भी कोई बेकार टीम नहीं है, बहुत दमदार टीम है, बहुत दमदार। आई थिंक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा बार्सिलोना के आगे, बट बहुत दमदार टीम है। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, एफ डी जोंग को तो देखो पिछले मैच में भी नहीं लिया था, और इल्के गुंडोगन शायद खेला नहीं था, ठीक है, और इनका एक प्लेयर इंजर्ड है, पेड्री गोंसाल्वेस इंजर्ड है, तो ये तीन तो गायब हो जाए प्लेयर। उसके बाद रोमियो ने जो पिछले मैच में किया था, एक वो असिस्ट किया था, पी गवीरा ने कुछ नहीं किया था, रफीना ने एज अ सब्स्टिट्यूशनल गोल लगाया था, तो मैं चाहता हूँ रफीना खेले, सो मैं रफीना को अभी सेव कर रहा हूँ। और अगले प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे लूँगा एकेलन कैप को, एकेलन कैप के बाद जो मेरा अगला प्लेयर है वो एक्चुअली ना यहाँ पर ना तीन खिलाड़ी बहुत दम रखते हैं, मतलब चार, पहला है एकल कैम्प, ठीक है, अगला है वीरमेरन, एक फिर है जी कर्क और एक ऑनड्रिच का। अब इन चारों में से तो देखो मिनिमम तीन खेलेंगे, और हो सकता है उन तीन में से हमको दो लेने भी पड़े, और अगर आप एक प्लेयर जो छोड़ रहे हो भगवान से कहना वो गोल ना करें, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, 4 मेंबर कॉन्टेस्ट हार जाओगे। फिर मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर कोई दिमाग से अगर हटके कोई गोल हो गया जो हमने सोचा भी ना हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ना मैं गर्क को ले लूँ, क्योंकि रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के तो चलने से रहा ये गेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेंगे जूल्स कोंडे को, ठीक है, जूल्स के बाद जोआओ कैंसेलो, तो बहुत तगड़ी फॉर्म में, पिछले मैच में मैंने वैसे ही बोला था कि ये मेरे को लग रहा है गोल करेगा, अंदर से आ रहा था कि हाँ लगता है कि गोल कर सकता है, बंदों ने वाइस कैप्टन रख दिया, क्योंकि मैंने ऑप्शन दिया हुआ था कि अपनी बैकअप टीम में इसको वीसी रखो, लोगों ने रख दिया और गोल भी करके गया। और रोजो शायद खेलेगा नहीं, सो क्रिस्टियानसन को लेंगे, और एक प्लेयर जो आपने बढ़ाना है, ऐसा करो जो आपने प्लेयर बढ़ाना इधर है ना, पहले तो आप गोलकीपिंग सेक्शन के अंदर ब्यूट्स करो, और जो प्लेयर आपने यहाँ बढ़ाना है उससे बढ़िया ना आप मिडफील्डर भी बढ़ा सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ऑपोजिशन टीम का भी ले सकते हो, अगर आपने वीरमैन लेना है, या सॉरी अगर आपने वेरमिरन लेना है या आपने ऑनट्रेस्ट का लेना है, तो आप ले सकते हो यहाँ पे आराम से, और कोई भी प्लेयर। बट अभी अगर आपने इनकी क्लीन शीट वाली टीम में लानी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अलोंसो को भेज सकते हैं, बाकी ये इनको इनको पता है इनका, ठीक है। और ये भी अच्छा है, जैले बैटल भी अच्छा खिलाड़ी है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। बात करें कप्तान की, कप्तान है मेरा रॉबर्ट, वाइस कप्तान देखिए मैं अभी टॉर्स को रख रहा हूँ, पिछले मैच में भी रखा था, डिसअपॉइंट तो किया नहीं, तो ठीक है ना, दोबारा ट्राई करेंगे, डिसअपॉइंटमेंट क्यों आएगी, गलत क्यों सोचूं मैं, ठीक है। कोंसेलो को इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि मुझे लगता नहीं आज क्लीन शीट तक बात पहुंच पाएगी, बाकी बार्सिलोना है, कभी भी कुछ भी रंग बदल लेती है, पता नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।